वैश्विक महामारी कोरोना का असर मथुरा में कम देखने को मिल रहा है और केस भी निरंतर नीचे आ रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसको देखते हुए धार्मिक स्थलों को भी खुलने की इजाजत दे दी गई। हालांकि अभी धार्मिक स्थलों में केवल 5 व्यक्ति ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, तो आज उसी कड़ी में मथुरा के प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर के पट भी खुल गए। इसको लेकर श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दिखाई दी और सभी अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए लालायित दिखाई दिए। लेकिन अभी तक द्वारकाधीश मंदिर में मंगला के दर्शन नहीं किए गए और वहीं शनि और रविवार को उत्तर प्रदेश में अभी वीकेंड का लॉकडाउन है, तो उस दिन मंदिर बंद रहेंगे। सभी बिंदुओं पर जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन बनाई जाएंगी उनका पालन किया जाएगा। ये मंदिर भी सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप खोला गया है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार जैसी गाइडलाइन बनाएगी उसी के हिसाब से मंदिर को खोला जाएगा। देखिए, एक माह जो बंद रहे वह भी कोरोना की गाइडलाइन थी और जो आज खुले हैं तो भी गाइडलाइन के अनुसार ही खुले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप धार्मिक स्थलों पर 5 आदमी के प्रवेश की अनुमति एक साथ दी हुई है और इस गाइडलाइन में सभी दर्शनार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराना, सैनिटाइज कराना और उन्हें एक द्वार से प्रवेश देना और दूसरे द्वार से उनको निकालना, इस प्रकार की व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। हमारा सभी दर्शनार्थियों से भी यही निवेदन है कि वे अपने सिस्टम से आएं, बगैर मास्क के प्रवेश न करें, एक दूसरे के बीच में उचित दूरी रखें और थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करा कर ही दर्शन करें। अगर व्यवस्था सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो व्यवस्था निश्चित रूप से सही रहेगी और सभी को दर्शन मिल पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वैसे मंदिर में 8 झांकियों में दर्शन होते थे, प्रातःकाल 4 झांकी होती थी, शाम को 4 झांकी होती थी, लेकिन इस कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो और लोग दर्शन के चक्कर में ज़्यादा ना आए, इसलिए प्रातःकाल 8:15 से 8:45 आधे घंटे के सुबह खोले गए हैं और इस समय 10:15 से 11 बजे तक राजयोग के दर्शन खोले गए हैं और शाम को 4:45 से 5:10 और सायंकाल 6 से 6:30, इस प्रकार 4 झांकियों के दर्शन खोले गए हैं जिससे दर्शनार्थी सभी स्लॉट में आके दर्शन कर सकें। सैटरडे संडे को लॉकडाउन के चलते क्या कपाट बंद रहेंगे? सैटरडे संडे अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से सैटरडे संडे में मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि हमें भी 2 दिन सैनिटाइजर के लिए मिल जाएगा। पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराएंगे, साफ सफाई व्यवस्था हो सकेगी और कर्मचारी भी अपने 2 दिन सैनिटाइज होकर अपने आप को स्वच्छ कर सकेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार का लॉकडाउन शनिवार इतवार रहता है तो मंदिर निश्चित रूप से शनिवार इतवार बंद रहेगा।